खजुरिया गांव में आपका स्वागत है। इस गांव में कल्लू और उसके दोस्त रोज कुछ नया कारनामा कर दिखाते हैं। कभी गांव की रूढ़ियों पर सवाल उठाते हैं, तो कभी किसी की अकड़ निकाल के गांव में नए विचारों की ताजी हवा का झोंका लाते हैं। पढ़ते खेलते छोटी बड़ी खुशियों और दुखों के लिए कल्लू और उसके दोस्तों की जिंदगी में शरीक हो जाइए। खजुरिया में मुनिया के गुस्से से सभी परिचित थे। मंगू माली किसी को भी अपने बाग से आम नहीं लेने देता था, ये भी सर्वविदित था। मुनिया को आम पाने का बड़ा लालच था, वो भी मंगू माली के बाग से ही। ऐसे में क्या होने वाला था, सुनिए और जानिए। कहानी का शीर्षक है कल्लू के किस्से भाग 3, मंगू माली और अंबिया भूत। लेखिका सुभद्रा सेन गुप्ता, चित्र बनाए हैं तपस गुहा और हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। वो रही, कल्लू ने गली की तरफ इशारा किया। आज इतनी देर कैसे हुई, जरूर स्कूल में कुछ हुआ होगा। कल्लू का छोटा भाई शब्बो परेशान लग रहा था। वे दोनों काफी देर पहले स्कूल से लौट आए थे, पर उनकी छोटी बहन मुनिया अभी घर नहीं पहुंची थी। खाना खाने के लिए उसका इंतजार हो रहा था। बस्ता घसीटते जैसे जैसे मुनिया पास आती गई, उनका ध्यान उसके लाल चेहरे और दहकती आंखों पर गया। ओए, किसी बात पे गुस्सा है, कल्लू बुदबुदाया और फिर शब्बो को घूरते हुआ पूछा, तूने तो नहीं कुछ कह दिया उसे? नहीं, कुछ याद तो नहीं आ रहा, शब्बो ने घबराहट में आंखें झपकाई। ए, तुमने तो नहीं कहा ना कुछ? नहीं, पागल है क्या? खजुरिया गांव में कौन ऐसा था जो मुनिया के गुस्से से वाकिफ नहीं था? ऐसा मशहूर था उसका गुस्सा, जल्दी गुस्सा नहीं चढ़ता था उसे, पर अगर चढ़ गया तो बाप रे, खुदा खैर करे, सबको पता चल जाता था। कल्लू का कहना था, जब मुनिया गुस्से में होती तो गली के कुत्ते पेड़ों के पीछे पना लेते थे और कौवे उड़ के पड़ोस के गांव चले जाते थे, और अब उसकी अंगारे सी आंखें देखकर वो जान गया कि फिर कोई बात हुई है जिससे मुनिया को गुस्सा आया है। वो कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर घुसी तो कल्लू और शब्बो ने सावधान होकर उसकी तरफ देखा। वो बेवकूफ आदमी नवाब के जैसे अपने चारपाई पे बैठा, समझता क्या है अपने आप को? कौन? कल्लू ने धीमे से पूछा। तुम नहीं समझोगे, तुम कोई कम बेवकूफ हो, मुनिया दंदनाई। ठीक है, कल्लू ने हामी भरने में ही अपनी भलाई समझी। जब मुनिया के ऐसे तेवर होते तो उससे ना उलझने में ही समझदारी थी। एक बार जब मुनिया को माँ पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसे खाना पकवाया था, और कल्लू ने इस पर मजाक करने की कोशिश की थी, तो मुनिया ने पलट कर उसे काट लिया था। वो तो शुक्र हुआ कि सिर्फ उसका कुर्ता ही मुन्नी रानी के मुंह में आया, पर तब भी सर झटक के उसने वो टुकड़ा फाड़ डाला था। कल्लू ने अपने दोस्त दामू को बताया कि अगर दांत लग के खून आ गया होता तो जैसे कुत्ते के काटने पर सुई लगती है ना, वैसे ही सुई लगानी पड़ती। जब मुनिया को इस बात का पता चला तो उसने कल्लू को फिर काट लेने की धमकी दी थी। तो ये चारपाई वाला नवाब कौन था, कल्लू ने एक और पराठा लेते हुए मन ही मन सोचा। गांव में कौन ऐसा जाबाज था जो मुनिया से रार मोल लेगा। पराठे सब्जी के कुछ कौर नीचे जाने के बाद बात का खुलासा हुआ। एक दिन मुनिया चबाते हुए बोली, तुम देख लेना, मंगू माली के कीमती पेड़ पे बिजली गिरेगी, मैंने आज ऐसी बद्दुआ दी है उसे। ओ अच्छा, कल्लू और शब्बो के मुंह से एक साथ निकला, आज तुमने फिर से एक आम लेने की कोशिश की? सिर्फ एक आम? मैंने सच में मिन्नत की, एक छोटा सा जरा सा आम।
मुनिया ने सर हिलाया और आज भी वो बोला, अंबिया भूत से आके ले लो। कल्लू और शब्बो ने एक स्वर में उसका वाक्य पूरा किया। खजुरिया में सभी जानते थे कि पूरे जिले में सबसे मीठे रसीले आम मंगू माली के बाग के कोने में जो एक पेड़ था ना, उस पर लगते थे। हर साल गर्मी के मौसम में टहनियां बड़े बड़े हरे पीले रंग के दशहरी आमों के बोझ से झुक जाती थी और खुशबू ऐसी उसी से मुंह में शहद घुल जाए। अब समस्या ये थी कि मंगू किसी को इस पेड़ के आसपास भी नहीं फटकने देता था। आम की फाक चखना तो भूल ही जाओ। सारे सारे दिन वो उसी आम के पेड़ की छांव में हुक्का गुड़गुड़ाता चारपाई पर विराजमान रहता। सफेद मूंछ के पीछे तिरछी मुस्कुराहट खेलती रहती और वो कहता, कोई मेरे आम नहीं चुरा सकता। सारे दिन में रखवाली करता हूँ और रात को अंबिया भूत जो इसी पेड़ पर रहता है। हुक्के का कश खींचते हुए वो खांसने लगता और फिर बड़े बड़े पीले दांत दिखाते हुए कुटिल हंसी हंसता। अगर किसी में हिम्मत है कि वो अंबिया भूत का सामना करे और आम चुरा ले, तो मैं मुफ्त में उसे आम दे दूंगा। सालों से गांव के हर बच्चे का यह सपना था कि भूता पेड़ से एक आम खाने को मिले, पर हर आम चोरी अभियान असफल रहता था। आज तक कोई अंबिया भूत से मिला नहीं था, पर ना जाने कैसे मंगू माली उनकी हर तिकड़म भाप जाता था। जब भी कोई दबे पाव बाग में प्रवेश करता तो मंगू माली को पेड़ की छाव में मूछो ही मूछो में मुस्कुराता हुआ पाता। इस बार मंगू माली ने भारी गलती की थी। उसने मुनिया और उसके दल को ललकारा था। इस दल में कल्लू और उसका प्यारा दोस्त दामू थे, जो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। कल्लू की बहन मुनिया और दामू की बहन सरू 8वीं में थे और शब्बो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। कल्लू था कल्लन, दामू दामोदर, मुनिया थी मुनिरा, सरू का नाम था सरस्वती और शब्बो था शब्बीर। पर उनके ये असली नाम सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में थे, क्योंकि मास्टर जी भी उन्हें छोटे नामों से ही पुकारते थे। दामू ने जिस पेड़ को भूता पेड़ का नाम दिया था, उसके आम तो अब उन्हें खाने ही थे। बस अंबिया भूत कोई बड़ा भूता हमला ना बोल दे, इसी की परेशानी थी। पर अब मंगू माली की हिकारत सहते सहते उनका धैर्य चुक गया था और इस साल की गर्मियों में अंबिया भूत को मुंह की खानी ही पड़ेगी। सरू का कहना था कि आखिर सदैव सफल आम चोरों के खिताब की आन का सवाल था। मंगू माली के अनुसार अंबिया भूत वही रहता था, घनी हरी पत्तीदार टहनियों के बीचों बीच। पूरे दिन जब मंगू माली पेड़ के नीचे चारपाई पर विराजमान रहता, तो अंबिया भूत कहीं छिप के सोया रहता। पर रात आते ही सिसकारने और खखारने की भयानक आवाजों के साथ वो टहनी से टहनी जाते हुए आम गिनता हुआ सुनाई देता। और अगर एक भी आम कम हुआ तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने लगता। और अगर उसने किसी को आम चुराते पकड़ लिया, तो वो जहरीली धुएं की कुंडलियों में अपना भेष बदलकर चोर पर ऐसा हमला बोलता कि उसका दम घुट जाता। मंगू माली का कहना था कि कोई भी इतना बहादुर, इतना बेवकूफ नहीं था कि अंबिया भूत का सामना करके भी जिंदा बच जाए। वो रात को चैन की नींद सोता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसके आम मुफ्त में नहीं पा सकता था। उस शाम को दल की बैठक मंदिर के पीछे खंभों वाले खंडर में हुई। एक जमाना था जब ये खुला कमरा गांव में एक दूसरे से मिलने का स्थान था, जहां लोग शाम को इकट्ठा हो जाते थे। पर आजकल सभी आदमी धर्मपाल की चाय की दुकान पर मिलना पसंद करते थे, जहां नन्हे गिलासों में चाय के साथ साथ गरम समोसे और पकौड़े भी मिलते थे। इसलिए कल्लू और उसके दल ने इस कमरे को अपना अड्डा बना लिया था और सरू व शब्बो ने दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र भी बना डाले थे। सभी जानते थे कि ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी।
आम चोरी के इतिहास में ये सबसे मुश्किल साजिशों में से एक गिनी जाएगी, क्योंकि दुश्मन ताकतवर थे। मंगू माली और खतरनाक अंबिया भूत दोनों से निपटना कोई हंसी ठट्ठा नहीं था। पूरी योजना बहुत ही ध्यान से बनाई गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूत चांदनी रात में बाहर आने से कतराते हैं। कल्लू की पेशकश थी, सो कल रात को चलेंगे क्योंकि पूनम की रात है, और मैं लहसुन साथ रखूंगा। दामू ने कहा, आम वाला भूत जिसे दशहरियों की भीनी लुभावनी सुगंध की आदत होगी, उसे तो वो बू बहुत ही बुरी लगेगी। कुछ खास भूत भगाने वाले मंत्र जरूर होंगे, सरू गहरी सोच में थी। मोती दादी को आते होंगे, उनसे पूछ लूंगी। मोती दादी दामू और सरू की दादी थी, और वे हमेशा खांसी और पेट दर्द के लिए गहरे भूरे बुरे स्वाद के काढ़े बनाती रहती थी। अगर भूत विरोधी मंत्रों की किसी को भी जानकारी होगी तो वो मोती दादी को ही हो सकती थी। क्या मैं अपना खास कंचा साथ में ले चलूं? शब्बो थोड़ा घबराया हुआ था। गणित की परीक्षा में तो मुझे उससे हमेशा मदद मिलती है। लहसुन, कंचा, मैं तो सबसे मोटा डंडा ले चलूंगी। मुनिया की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। डंडा किस लिए? सबने एक स्वर में पूछा। अगर चांदनी रात में मंत्रोच्चारण, कंचा और लहसुन काम ना आए तो मैं उस भूत का मार पीट कर भरता बना दूंगी। मुनिया का चेहरा सीमा पर तैनात सिपाही से कम ना था। हट बुद्धू, कल्लू हंस पड़ा। भूत तो एक धुएं के बादल सा होता है, उसके पैने दांत और लंबे लंबे चुभने वाले नाखून होते हैं। भूत को कोई पीट थोड़े ही सकता है मुनिया। मुनिया ने नाक हवा में उठा के सिर्फ एक बार सुड़की, अपनी चोटियों को सिर्फ एक बार झटका और आगे बढ़ गई। उस रात उन्होंने सबके सो जाने तक इंतजार किया और फिर दबे पाव बिस्तरे छोड़कर बाग का रुख लिया। कल्लू ने बड़े चमचमाते चांद का मुआयना किया और राहत की सांस ली। हश, दामू के कुर्ते की जेब में मुट्ठी भर लहसुन था। सरू मोती दादी के सिखाए रामबाण भूत विरोधी मंत्र को याद करती चल रही थी। शब्बो अपना जादुई कंचा लाना भूल गया था, इसलिए उसकी घबराहट हर कदम पर बढ़ रही थी, और वो अंबिया भूत के आते ही 9:45 होने की तैयारी में था। मुनिया ने सांस भरी और उस मोटे डंडे पर अपनी पकड़ और मजबूत की जिसे वो लेकर बकरियां चराने जाती थी। बाग को तेजी से पार करते सभी के कान मंगू माली की तरफ से किसी भी आहट के लिए चौकन्ने थे। वो नाले के उस पार अपने छोटे से झोपड़े में सोता था, पर वहां अंधेरा था और निश्चय ही मंगू माली सोया हुआ था। धड़कते दिल लिए वे भूता पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे पेड़ पास आता गया, सबने पूरी सावधानी से कान लगाए। बाग दूधिया चांदनी में नहाया हुआ था, जिसमें जहां तहां विकराल छाया के धब्बे हिल रहे थे। पूरा सन्नाटा था। उनके सरों के आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट के अलावा ना कोई चिड़िया की आवाज, ना किसी चमगादड़ की फड़फड़ाहट। सन्नाटा सच में डरावना था। अंबिया भूत कहाँ था? जाहिर है कि वो आज रात अपने आम नहीं गिन रहा था, नहीं तो टहनियों पर उसकी सरसराहट और उसकी भयानक आवाज में 1, 2, 3, 15 ये तो सब जरूर सुनाई देता। उन सब में कल्लू पेड़ चढ़ने में सबसे माहिर था, और आम के पेड़ों में तो उसे उस्तादी हासिल थी। योजना के अनुसार उसे चढ़ के निचली टहनियों से कुछ आम तोड़कर नीचे तैयार खड़े मुनिया और दामू की तरफ फेंकने थे, और अंबिया भूत के देखने से पहले सर से नीचे उतर जाना था। सरू को बाग के फाटक पर पहरेदारी के लिए रखा गया था, और अगर मंगू माली अपने घर से बाहर निकलता दिखे तो उसे सीटी बजानी थी। शब्बो सिर्फ कांपते हुए घुटनों को संभालता दौड़ जाने की तैयारी में मौजूद था। निचली टहनियों को पकड़ता कल्लू झट उस टहनी तक पहुंच गया जो आमों से लदी हुई थी। जैसे ही वो एक आम तोड़ने वाला था, ऊपर से एक बारीक खांसी की आवाज आई और एक डरावनी आवाज हवा में तैरी। कौन है?
कौन है कौन है? कल्लू को मानो काट मार गया। दामू ने पेड़ के नीचे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और लहसुन को हवा में लहराया। भाग जाओ भाग जाओ, अंबिया भूत गुर्राया। कल्लू नीचे कूद जाने को तैयार था। मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। कल्लू तू जिंदा है ना? दामू ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ूंगा नहीं मैं, अंबिया भूत की गला खखारने की आवाज के साथ ये सुनाई दिया। मुनिया ने डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंधेरी टहनियों की तरफ देखकर पूछा, हर बात दोहराते क्यों हो अंबिया भूत? हम बहरे नहीं हैं। अंबिया की तरफ से एक चकित सी चुप्पी आई और टहनियों की चरमराहट के साथ एक डरावनी सलेटी सफेद सी चीज ऊपर से फिसलती हुई नीचे आई। भयानक घरघराहट वाली आवाजें निकालते हुए बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भागो, दामू चिल्लाया और पलक झपकते सरू और शब्बो बाग से बाहर भागे। दामू उनके पीछे भागने को मुड़ा कि ठोकर खाके एक गड्ढे में गिर पड़ा। उसका सर चकरा गया और सांस धोकनी सी चलने लगी। कल्लू पेड़ पर से नीचे कूदा और गिर पड़ा। उसकी चप्पलें छिटक सी गई। जैसे अंबिया भूत की भयावह परछाई पास आती गई, कल्लू और दामू जैसे तैसे उठकर भागे। मुनिया, दामू चीखा, भाग! वो गहरी डरावनी खखारती घरघराती परछाई पास और पास आती जा रही थी। अचानक मुनिया ने दांत भींचे, अपना बड़ा सा डंडा उठाया और अंबिया भूत के ऊपर जोर से जमाया। फटाक! और फिर एक बार और फटाक! आई 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 आई, अंबिया भूत चीखा। उफ! कल्लू और दामू जो आधा बाग पार कर चुके थे आश्चर्य से थम गए। ये कौन था? क्या अंबिया भूत ने उफ कहा? फिर मुनिया ने अंबिया भूत को एक और डंडा लगाया। बचाओ, मंगू माली पेड़ से उतरते हुए चिल्लाया। घबराहट में उसने वो चादर भी गिरा दी जो उसने लपेट रखी थी। मुनिया मारना बंद कर, चोट लगती है। भूत कौन है कौन है भूत? मुनिया ने डंडा लहराते हुए विजयी भाव से उसकी नकल उतारी। ठीक है, मंगू माली खांसते हुए बोला। तू जीती, थोड़े से आम ले ले। थोड़े आम ले ले, थोड़े आम ले ले, मुस्कुराते हुए मुनिया कल्लू और दामू ने दोहराया और पेड़ पर चढ़ने लगे। क्या सरू और शब्बो भाग गए? मुनिया ने आम तोड़ते हुए पूछा। सारा मजा तो देखने से रह ही गए। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।